सो वेलकम स्टूडेंट्स इन माई ग्रू सॉल्यूशंस। मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ MEC 101 माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के फ्री सॉल्व असाइनमेंट 20-21 तक के लिए, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, यह असाइनमेंट केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इन असाइनमेंट का PDF चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अदरवाइज जब मैं आपको सॉल्यूशंस दिखाऊं तो आप इजीली वीडियो को पॉज करके आप उन सॉल्यूशंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपने सॉल्व असाइनमेंट। सो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है MEC 101 के असाइनमेंट हैं आपके। यहाँ पे आपको आपके असाइनमेंट से रिलेटेड जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। जैसे आपके असाइनमेंट का कोर्स कोड क्या है, तो कोर्स कोड आपका है MEC 101, ठीक है। तो यहाँ पे असाइनमेंट कोड है आपका ये, टोटल मार्क्स जो है वो आपके 100 है, यानी कि आपको आपकी जो असाइनमेंट है वो आपके टोटल 100 मार्क्स के हैं। 100 मार्क्स में से आपको आपके असाइनमेंट्स में मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके जो असाइनमेंट हैं वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है वो आपके 20 मार्क्स का है, यानी कि इसमें आपको केवल दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके 20-20 मार्क्स के हैं। एंड जो सेक्शन बी है आपका वो आपके, ये देखिए सेक्शन बी में आपको पांच क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके 12-12 मार्क्स के हैं। यहाँ पे आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। जैसे कि यहाँ पे नोट में लिखा है आंसर और क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शंस में दिए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने ही देने हैं, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। सो स्टूडेंट्स, अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स पे चलते हैं और देखते हैं कैसे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सो स्टूडेंट, फर्स्टली मैं आपके साथ सेक्शन ए के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से स्टूडेंट्स आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, आपके MEC 101 के जो असाइनमेंट हैं वो आपके यहीं पे कंप्लीट होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इस असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट का या फिर आपको किसी अदर सब्जेक्ट के असाइनमेंट का PDF चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी।
सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा MEC 101 माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के प्री सॉल्व असाइनमेंट 20 से 21 तक के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें।